सो गाइस, पर मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पर एक शेर है। शेर ये अच्छी है, तू कितनी बोली है। सो गाइस, ये है बहुत प्यारा सा छोटा सा नोनू सा कुत्ता। हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो गाइज, आज सुबह से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, जिस वजह से आज हमने छुट्टी कर ली। भाई जाना था शॉप पे लेकिन नहीं जा पाए, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ जाएंगे तो पूरा सेटअप करना पड़ता है, सब कुछ सेट करना पड़ता है शॉप को, तो उस वजह से हम लोग नहीं गए रहे सो के। अब 8:30 बज रहे हैं भाई, मैं तो उठ गई, मम्मी पापा जबकि अभी सो रहे हैं, वो भी शायद थोड़ी देर में उठ जाएंगे, इसलिए मैं सीधे छत पे आई हूँ। क्योंकि आज देखो 8:30 भी इतना अच्छा मौसम हो रहा है, लगता है कि भी बारिश आएगी थोड़ी देर में, दोबारा बारिश आएगी। और चलते हैं, मैंने सोचा छत से अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँ। और अभी नीचे जाएंगे, चाय वाय बनाएंगे, पापा और मम्मी को भी उठाते हैं, चाय वाय पिलाते हैं। तो चलो दोस्तों, बाकी दिन भर में आज क्या क्या मस्ती करेंगे वो हम आपको दिखाएंगे। चलो तो ये देखो गाइस, आप मौसम देखो कितना अच्छा हो रखा है, 8:30 का मौसम भी देखो कितना बढ़िया हो रखा है, देख रहे हो आप कितना सुंदर मौसम हो रखा है। चलो भाई चलते हैं नीचे। सो गाइस, फाइनली मैं आ चुकी हूँ छत से नीचे और अब फटाफट से बनाती हूँ चाय। इस चाय में लेके आ गई हूँ, मेरे पापा को मैंने दे दिया है, चाय का स्वाद लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बनाई। सो गाइस, मम्मी पापा भी उठ चुके हैं, चाय पानी पी ली, मैंने झाड़ू पोछा भी मार दिया बढ़िया करके। और आपको देख रहा हूँ कि मैंने ये साफा डाला है आज, ये मैंने राहुल साहब की तरह डाला है। राहुल साहब, जैसे आपको पता है बिग बॉस में अपने एलविश भाई आ रखे हैं, मैं तो चाहती हूँ एलविश भाई ये थे, क्योंकि वो बहुत अच्छे लगे मुझे। मतलब ऐसे तो मुझे एलविश, अभिषेक भाई और मनीषा रानी ये सभी अच्छे लगे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ दिल से जिनके लिए, वो है एलविश भाई। और एलविश भाई आप जीत के आओगे, बस काम करते रहो, बढ़िया चलते रहो। तो भाई इसलिए मैंने ये साफा डाला है, बिल्कुल एलविश भाई जैसा। तो फिलहाल अभी चलते हैं। कौन आ रहे हैं गैस वाले? तो यहाँ देखो गाइस, मम्मी भी उठ चुकी है और उठने के बाद मम्मी बना रही है यहाँ पर भिंडी की सब्जी, नाश्ता बना रही है भिंडी की सब्जी। और यहाँ पर मैंने आटा गूंद दिया है, तो मम्मी आज आपने छुट्टी क्यों करी है बताओ पहले? तबीयत खराब हो रही है। और बारिश बारिश देख रहे, 5 बजे से बारिश हो रही है भाई। थोड़ा ना मम्मी की आंखों में कुछ पेन पेन सा हो रहा है, वैसे तो मैंने वो दवाई डालने के लिए बोला, डालती नहीं भाई बिल्कुल भी दवाई। और चलो नाश्ता तो यहाँ पर जल्दी से रेडी करते हैं, बाकी झाड़ू पोछा वगैरह मैंने सारा कर दिया। सो गई यहाँ मम्मी से तो मिला ही है मेरे पापा, और मेरे पापा तो हमेशा बनियान में ही रहते बैठे हुए, और ये मेरे पापा की मुझे लग रहा है ये रूपा के बनियान है, रूपा कंपनी को ही फेमस कर देंगे। तो यहाँ पापा कुछ काम भी कर रहे हैं, इसलिए मैं अभी डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ पापा को। और बस अभी नहाना धोना करते हैं, क्योंकि अभी मुझे कहीं और काम से भी निकलना है। फोल्डो बर्तन फोल्डो, बढ़िया। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, ये तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। आपकी आँख सच में हो रही है टेढ़ी सी? टेढ़ी नहीं हो रही, दर्द हो रहा है मेरी आँखों में। दवाई डालो इन्फेक्शन नहीं हो, दवाई आजकल चल ही रहा है, दवाई डालो सबसे अच्छा। और उसने भी बोला था बढ़िया चलेगा, तो गाइस मैं मम्मी के लिए ड्रॉप डाल के रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, दवाई हम डाल कर रहे हैं आँखों में, आँखों से हटाओ पर आँखें तुम मिलाओ जी, दुनिया वाले क्या कहते हैं, दुनिया से ना घबराओ जी, क्योंकि 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोके ना किसी ने रोका। I wanna hang over tonight. तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ ओ माँ। देखो मम्मी कितना अच्छा गाना गाया मैंने आपके लिए, मेरी मम्मी प्यारी
यालू कैसे मार रही मुझे। तो गाइस मैंने नहाने जा रही थी, लेकिन मेरे जाने से पहले मेरे पापा ने बाथरूम में एंट्री ले ली, मतलब मेरे पापा चले गए मेरे जाने से पहले। जब मेरे पापा नहा के आएंगे उसके बाद हम भी नहाने जाएंगे, और जब मैं नहा के आऊंगी तब उसके बाद मैं नाश्ता करेंगे। वाह 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 वाह। कभी कभी तो ऐसे डायलॉग बन जाता ना कि बस पूछो मत दोस्तों, बस मत पूछो मत। तो फटाफट सब ऐसे करते हैं। मेरे पापा आ गए, आ गए, आ गए मेरे पापा, आ गए, आ गए मेरे पापा। पापा ने मुझे घूरते वैसे देखा। नहा धो के मैं आ गई थी, उसके बाद ये है मेरा नाश्ता जिसमें मिली सब्जी और रोटी। तो अब इसको नाश्ता करते हैं फटाफट। बचपन में मेरी भिंडी की सब्जी सबसे फेवरेट होया करती थी, अब तो भिंडी की सब्जी इतनी खास नहीं लगती, पर ठीक है खा लेते हैं, जो भी चीज़ हो सब खा लेते हैं। हरी मिर्ची गाइस। देखो इसकी लड़की के बाल देखो कैसे सुनते, अंदर कमरे में सुखा रही है ये बाल, देखिए आप देख रही है, ऐसे नहीं बाहर सुखाओ में बालों को, अंदर और पंखों में। ये देखो पागल हो गई है तो कुछ। अरे पंखा चल रहा ना, एक तो आपको पता है जूड़ा मांगती हूँ ना इसको, क्या था जूड़े में ना मेरे बाल पता है मैं बहुत झाद कर। तो गाइस आपको पता है जब मैं नहाती हूँ ना बाल जो है ना मेरे हल्के गिले रहते हैं, तो मैं जूड़ा बांध देती हूँ, और जूड़ा बांध देती हूँ ना तो वो शाम तक सूखते नहीं भाई ऐसी जूड़े में। तो मैं इसमें थोड़ा पराठे से, ये हमारा पराठा है, सोच रही हूँ इससे सुन ए सी से कम नहीं है भाई, समझ रहे हो इतना महंगे इसलिए बाल सुखा रही हूँ। और आपकी कैमरा से क्या रहती है मम्मी, आ रही बताओ। जब तू लाती है तो मैं लाती हूँ, जब तू लाती है कैमरा तब कुछ नहीं है। अरे भैया क्या कर रहे हो, आपको कैसे आया कि ऐसे पीछे करते आएगा। तो गाइस मम्मी ने आपको दिखा दिया है ना मेरे बारे में, तो आप दिखाओगे दिखाओगे। दिखाना नहीं है क्या, उल्टे काम करती है तो अंदर कोई बाल सुखाता है। तो भैया वो क्या बोलते हैं जल्दीबाजी में थी, क्योंकि देखा आप देख ही रहो मैं रेडी हो रही हूँ, क्योंकि मुझे कहीं जाना है काम से थोड़ा सा बाहर, और इसीलिए देख लिया मैंने, इसीलिए तो मैंने पराठे में सुखा देती यार। जितनी जल्दी पराठा सुखाएगा बाल तो उतनी जल्दी मैं निकलूंगी ना। चलो गाइस अभी मैं निकलती हूँ, बहुत लेट हो रही है सच में। अभी मैं आई थी एक कैफे में, और इस टाइप का देखो उसका लुक है, बहुत ही सुंदर है। ये देखो चारों तरफ हरा भरा, हरियाली ही हरियाली है नजर आ रही है, देखो इस टाइप का है। आय हाय क्या बढ़िया लग रहा है। सो गाइस पता है काम कुछ ज़्यादा खास नहीं रहा, छोटा मोटा काम था वो मेरा हो गया था, और उसके बाद ना मुझे लगी बहुत ज़्यादा भूख। मैंने मम्मी को मना कर दिया था, मम्मी ने फ़ोन किया था कि तू खाना खाने आएगी, मैंने खाना बना रखा है तो मैंने मना कर दिया, भैया खाना वाना मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं बाहर खाऊंगी, जब इतना अच्छे मौसम में बाहर आ के घूमने तो यार कुछ अच्छा खाऊँ ना क्यों। तो अभी मैं आपको यहाँ का ना पूरा वो कैप्चर करके दिखाऊंगी, कितना अच्छा व्यू है यहाँ का, और थानो रोड में कैफे पड़ता है, बहुत सुंदर है भाई, चारों तरफ हरा भरा हरियाली सी, नेचर से जुड़े इंसान है भाई हम, नेचर से जुड़े। तो फिलहाल हमने कुछ ऑर्डर किया है, वो थोड़ी देर में आएगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे क्या है। चलो सो गाइस पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पर एक शेर है, शेर, तो मैं आपको शेर से मिलाऊंगी, मुझे ना उसको देख के बहुत डर लग रही है, सीरियसली गाइस सच बता रही हूँ मैं, क्योंकि ना मुझे बहुत टाइम से घूर रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो आप शेर, देर से घूर रहा है मुझे, भाग रहा है। इधर तेरे को बोले नहीं, इधर समझ जाना तेरे को एक बारी में। सो गाइस ये है बहुत प्यारा सा छोटा सा नोनो सा कुत्ता। फाइनली हमारे आ चुके हैं मोमोज, मैगी एंड चाउमीन। ये देखिए क्या धनिया डाल रखा भैया ना, छक्कर के कूट के उठ के धनिया, और ये देखो मोमोज यहाँ पर है, साथ में है मैगी। आय हाय हर चीज़ में धनिया भाई, हर चीज़ में धनिया, और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और भैया जो ये आपने ये जो कैचअप दिए ना, अरे भाप रे, वो भी दो दो कैचअप, देख रहे हो भैया कितना ध्यान रखा जा रहा है हमारा। सो गाइस अभी मैं मोमोज खा रही हूँ, जिनमें कुछ खाया नहीं, बहुत ज़्यादा मन हो रहा,
सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, जो मुझे पसंद आते हैं, कचरा पचरा ज़्यादा पसंद नहीं आता, अच्छे हैं, बहुत टेस्टी हैं। महिला मित्र आप भी खाइए, खाइए महिला मित्र। तो मेरे साथ मेरी महिला मित्र आ रही है, लेकिन शर्माती बहुत है कैमरे के सामने आने में, तो इसीलिए वो कह रही मेरे को मत दिखा, मुझे शर्म आती है, तू बना अपना व्लॉग। मुझे क्या, सो गाइस फाइनली मैंने खा लिया है, लेकिन ये दो जो केचप भैया ने दिए थे ना, इसे मैं लेके जाऊंगी घर, क्योंकि यहाँ नहीं छोड़ने वाली मैं, क्योंकि मैंने इसका यूज़ ही नहीं किया, मैं तो मतलब हमने किसी भी चीज़ में डाला ही नहीं, तो मैं तो लेके जाऊंगी, क्यों छोड़ना भाई, 2 रुपए का है, कहीं काम आ जाएगा मेरे, ठीक है। तो अब चलते हैं, बस थोड़ा सा मैं यहाँ का दिखा दो, पैसे वैसे देते हैं और निकलते हैं यहाँ से, और रास्ते में दिखाएंगे आपको कैसा कुराड़ा छा रखा, मतलब कैसे कोरा कोरा सा हो रखा है ना, ऐसा लग रहा बारिश का, मतलब जैसा लग रहा सर्दी का मौसम नहीं होता, ऐसा वाला मौसम हो रखा है, दिखाएंगे हम आपको। चलो, सो गाइस देखो इस टाइप का कुछ कैफे जहाँ हम आ रखे हैं, काफ़ी अच्छा है, देखो हरा भरा हरियाली, आम का पेड़ देखो। सो गाइस बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, बहुत ही ज़्यादा आनंद, ये देखो आप चारों तरफ देखो, ये देखो कितना सुंदर है, कितना ब्यूटीफुल है। बाकी हमने मैगी वैगी खा ली है, मोमोज भी खा लिए है, और चाउमीन भी खा लिया है, लेकिन जो केचप था वो मैंने जेब में रख लिया है। और अब हम यहाँ से बस थोड़ा सा ऐसे घूम फिरते हैं, थोड़ा सा घूम लेते, टहल लेते, उसके बाद निकलेंगे सीधा घर के लिए। अब मौसम देखो यहाँ का, देख लो आप क्या भयंकर हो रखा है। तो ये ना रायपुर जाती है रोड, और ये जाती है आपकी आगे थानों, थानों के बीच में ये पड़ता है कैफे, देखो जंगल व्यू रेस्टोरेंट करके नाम है इसका, और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, आओ कभी यहाँ पैसे खर्च करने। इतने ज़्यादा टेस्टी हैं, मुझे पूरे कहीं भी जाती हूँ ना, कहीं मुझे ना उन जैसा रोल नहीं मिलता। तो अभी ना मैं यहाँ से ना एक कट लूँगी, यहाँ से सीधा जो एयरपोर्ट जाएगी रोड, और यहाँ से सीधा थानों रोड जो मतलब भाने वाले डोए वाला की तरफ जाती है, ठीक है। तो अभी यहाँ से निकलेगी कट मारते हुए, और फिर मैं दिखाऊँगी उस शॉप कौन सी है, भाई इतना टेस्टी रोल बनाते हैं ना सीरियसली। चलो चलते हैं क्या, और यह है भैया मंदिर, आप देखो गाइस हम यहाँ से लेफ्ट ले लेते हैं जो कि हवाई अड्डे की तरफ जाती है रोड, यानी कि एयरपोर्ट साइड। ओ देखो, सो गाइस ये है जहाँ हम हमेशा से रोल खाते हैं, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया रोल बनाते हैं यहाँ पर, देखो ये प्राइस है इसको, और ये आपका जोली ग्राइंड में पड़ता है। चलो खाते हैं, ऑर्डर दे दिया हमने। सो गाइज ये देखो मेरा मलाई चाप, और ये है सोया चाप मेरी महिला मित्र ने जो किया है। वाह यार तेरे हाथ इतने सुंदर लग रहे हैं इसमें, मेरे हाथ तो अच्छे लग रहे हैं, मेरे हाथ भी बुरे थोड़ा लग रहे हैं। तो गाइज ये है हमारा, चल चीयर्स, अब हम खाएंगे। आ चुकी हूँ घर पे, और मैं घूम के भी आ गई, आज का मौसम का आनंद भी लेते हुए आ चुकी हूँ, और इसी के साथ मैं आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया, पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। घर पे तुम्हारे साथ में हथौड़ा हो, बेलन हो, कुछ भी हो, ठोक दो, सब्सक्राइब कर दो, और तो मिलते हैं जल्द एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।